अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों अब्दुल रज़ाक ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कोचिंग की पेशकश कर दी। दोस्तों अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुझे दो हफ्ते दे तो मैं हार्दिक पांडे को नंबर वन ऑलराउंडर बना दूंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और वीडियो को लाजमी से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों अपनों से मियोस साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कोचिंग की पेशकश कर दी। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल रज़ाक ने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें इन्होंने हार्दिक पांडे की बैटिंग में गलतियों की निशानदगी की। दोस्तों याद रहे कि अब्दुल रज़ाक अपने दौर के बेहतरीन ऑलराउंडर थे। दोस्तों जिन्होंने अपने करियर में 5,080 रन बनाए। दोस्तों अब्दुल रज़ाक का अपनी वीडियो में कहना था कि मैंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में भारतीय खिलाड़ी पांड्ये की बैटिंग का जायजा लिया। दोस्तों इस दौरान मुझे बैटिंग शॉट्स खेलने के दौरान हार्दिक पांडे के पैरों की हरकत, बैट के स्विंग होने और जिस्म के तवाजन में मसाइल नजर आए। दोस्तों अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड हार्दिक पांडे को कोच कराने के लिए दो हफ्ते का वक्त दे तो मैं यकीनन इसे नंबर वन ऑलराउंडर बना दूंगा। दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में हार्दिक पांडे ने 38 गेंदों पर 40 रन की इनिंग खेली। दोस्तों अब भारत सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ एक कामयाबी दरकार है। दोस्तों जबकि इनके अभी तीन मैच बाकी हैं। याद रहे कि इससे कबल अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कोचिंग के लिए अपनी खिदमात पेश की थी लेकिन बोर्ड हकाम की तरफ से इस पेशकश का मुस्बत जवाब नहीं मिल सका। दोस्तों क्या भारत अब्दुल रज़ाक की कोचिंग को मानेगा या नहीं, हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की मज़ेदार वीडियो सबसे पहले तो बिल्कुल फ्री में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।